हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे न्यू ब्लॉग में और एक बार स्वागत है और सभी को हृदय पूर्वक जय श्री माता जी, राधे राधे। तो मैं अभी यहाँ पे कबूतर को खाना दे रही थी, जो कि आज हम खाने में कबूतर को दिए हैं मूरी, जो कि कभी हम चावल देते हैं तो कभी हम चूरा भी देते हैं, चेंज कर करके देते हैं। तो आज जो है मूरी दिए हैं, और अभी तक जो है आजकल जो देख रहे हैं कि कबूतर सुबह में नहीं आता है, शाम को आता है, तो अभी नहीं आया है। लेकिन ऊपर में दो कबूतर बैठा हुआ था, पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन लगता है शाम को ही खाएगा। और यहाँ पे अभी हम किचन में आए हैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। तो बहुत सारा काम आज है, मतलब आज जो है बड़ी देंगे, जो कि उड़द दाल का बड़ी मेरा जो है कल ही ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो सोचे कि शायद आज होगा, उसके बाद फिर कभी भी ज़रूरत हो सकता है। और उड़द दाल का बड़ी जो है अभी ठंडा का सीज़न है, और धनिया पत्ता डाल के कद्दू का सब्जी जो बनाते हैं उसमें उड़द दाल का जो बड़ी होता है वो डालने से अच्छा लगता है खाने में, तो सोचे हैं कि बड़ी डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी हम बना रहे हैं बैंगन आलू का सब्जी, जो कि एक बैंगन बोले थे कि एक ही बैंगन था जो कि हम कल बनाए थे, तो नहीं दो बैंगन था। यहाँ पे हम एक तो रबड़ लगाए हैं ताकि ये जो है ये इसको यहाँ पर रखने के बाद अंदर चला जाता है, और रबड़ लगाने के बाद जो है अंदर नहीं जाता है, क्योंकि ये जो है कढ़ाई से ये छोटा है, अंदर घुस जाता है, तो रबड़ लगाने से अंदर नहीं जाएगा। बड़ी इसमें डाल दिए हैं और गैस को ऑफ कर दिए हैं, नहीं तो पूरा गल जाएगा, ऐसे ही भी गल ही जाएगा, लेकिन हम ऑफ कर दिए हैं तो उतना नहीं गलेगा, लेकिन सॉफ्ट हो जाएगा। अभी बस बन गया है बैंगन का सब्जी। अभी टिफिन के लिए निकाल लेते हैं, मतलब दुकान कृष्ण का पापा लेके जाएंगे टिफिन, तो ठंडा होगा तो हम ढक्कन लगाएंगे, अभी तो गर्म है तो ढक्कन लगाएंगे तो फिर भाप में जो है पानी पानी हो जाएगा। और रोटी बनाएंगे साथ में, तो सब्जी ऐसे कुछ था नहीं, जैसे कि कल रात को हम बनाए थे पापड़ का सब्जी, और सोचे थे कि आज सुबह क्या बनाएंगे क्या बनाएंगे, तो हमको पता नहीं था कि एक बैंगन रखा हुआ है, तो सुबह में जो है अभी काम चलाने जैसा नाश्ते जैसा हो जाएगा। तो हम बैंगन का सब्जी बनाए हैं, तो कुसुम का पापा सो के उठे, फिर चाय पी के चले गए हैं मार्केट सब्जी लाने के लिए, तो सब्जी लेके आए हैं, रखा हुआ है बाहर। तो यहाँ पर जो है अभी हम बना रहे हैं रोटी, तो कुसुम हमको बेल के दे रही थी और हम यहाँ पे सेक रहे हैं, और जैसे ही रोटी बन जाएगा उसके बाद चले जाएंगे उड़द दाल का बड़ी मतलब देने के लिए, क्योंकि धूप तो निकल आया है और ठंडा का दिन है तो दिन भी छोटा है, तो धूप जो है निकल गया है तो लेट करके बड़ी देंगे तो फिर सूखेगा नहीं। ऐसे तो धूप जो है छत पे आया है, लेकिन अभी तक जो है आंगन में नहीं आया है, तो झटपट झटपट रोटी बना लेते हैं, उसके बाद जोया भी और कुसुम दोनों को बोलेंगे कि जल्दी जल्दी तुम लोग भी आ जाओ, और जितना जल्दी होगा उतना अच्छा है, फिर यहाँ से लेके जहाँ पे धूप आया है लेके वहाँ पे रख देंगे। अभी यहाँ पे छावा में बैठ के दे देते हैं, तो हम जो है अच्छा से ये उड़द दाल को फेंट रहे हैं ताकि अच्छा से जब भी मतलब सब्जी बनाएंगे तो अच्छा से मतलब बहुत खरीद के खाए हैं इतना दिन, तो जल्दी जो है वो पकता नहीं था, मतलब पकता ही नहीं था। तो अभी जो है हम इससे पहले भी जो बनाए थे, जो अभी ख़त्म आज जैसे ख़त्म हो गया है, तो ये जो है हम बहुत ज़्यादा ही फेंटे थे, इतना फेंटे थे कि हमको जो है गैस को ऑफ करके फिर हमको बड़ी डाल के रखना पड़ता है ताकि पूरा गल नहीं जाए, इसीलिए नहीं तो गैस चालू। और ये वाला जो है उतना नहीं फेंटे हैं, लेकिन फिर भी फेंटे हैं ताकि अच्छा लगे खाने में, और इसमें कोई मसाला नहीं डाले हैं क्योंकि ऐसे ही अच्छा लगता है। तो जोया कुसुम को बोले हैं तुम लोग बड़ी दो, हम दूसरा काम कर लेते हैं, तो वो दोनों बड़ी दे दी है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ कपड़ा जो है अभी हम हाथ से ही खींचेंगे, क्योंकि बेड शीट जो होता है और जो नया कपड़ा होता है वो हाथ से धोना ही ठीक रहता है, क्योंकि मशीन में जो है अलग टाइप का ही कलर हो जाता है और पुराना पुराना लगने लगता है। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा सा गर्म पानी, ज़्यादा नहीं बस हल्का सा ही गर्म पानी करके, दो बेडशीट था और कुछ तकिया का कवर था वो सब पानी में भिगो के रखे थे, और यहाँ पे दो बर्तन भी रखा हुआ है, जो कि कुकर, ये जो है रूम में नहीं धोए हैं क्योंकि अभी ठंडा टाइम है तो धूप में बैठ के ही अच्छा लगता है धोने में। तो यहाँ पर जो है अभी बैठ के सारा कपड़ा धो लेंगे, और यहाँ पर दो बर्तन है ये बर्तन भी धो देंगे, बस उसके बाद चले जाएँगे नहाने के लिए। और अच्छा हुआ है यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए भी एक जगह भी मतलब इतना अच्छा बन गया है कि अभी कोई भी काम करने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है। पहले यहाँ पर जो है एक नाला टाइप का रहता था और कुआं जो था, तो मतलब
कोई काम ही नहीं कर पाते थे पहले, तो अभी जो है उस हिसाब से बहुत ही अच्छा बन गया है। तो चलिए कपड़ा खींचते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। जो दोपहर में क्या खाएंगे नहीं खाएंगे वही सब देखना है। तो देखते हैं कब तक हम नहा के किचन में आ सकते हैं। आधा गंदा तो गर्म पानी में जब फूलने के लिए रखे थे और हाथ से अच्छा से मसल मसल के भिंगोए थे, तो आधा गंदा तो उसी में निकल गया है, और थोड़ा बहुत जो बचा है वो बस इसी तरह खंगा लेंगे तो निकल जाएगा। और यहाँ पर जो है देखिए, अभी सारा कपड़ा जो है जैसे ही धुल जाएगा उस बाद चल जाएंगे नहाने के लिए। और उसके बाद अभी तक जो है सब्जी जो कुसुम का पापा लाए हैं अभी तक हम निकाल के नहीं देखे हैं क्या है नहीं है। तो हम फिर नहा के आए तो अभी हम देख रहे हैं क्या है नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पालंग साग है, और है यहाँ पे धनिया पत्ता है, और फूल गोभी है, और नया आलू लाए हैं 1 किलो, और यहाँ पे है बैंगन, और ये है शायद छीम है, हाँ छीम, टमाटर, और देखते हैं क्या क्या निकलता है। हाँ ये रहा कद्दू, और ये है पत्ता गोभी, और क्या है, हाँ 2 पत्ता गोभी है जो कि छोटा छोटा है, और फूल गोभी है। तो यहाँ पे 4 या 5 ठो फूल गोभी है, और सोच रहे हैं कि इसको जो है काट के अगर रख देते हैं तो ठीक है। और अभी जो है शाम हो चुका है, तो कपड़ा धोने के बाद नहा के हम फिर चले गए थे किचन में खाना बनाने के लिए, जो कि बस हम तीनों का हो जाए उस तरह थोड़ा सा ही खाना बनाए हैं। तो चावल था रात का है थोड़ा सा, और उसी में हम थोड़ा सा सब्जी मिला के एक फ्राइड राइस जैसा बना लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे अभी हम सारा सब्जी निकाले हैं, तो कुछ कुछ सब्जी जो है अभी हम काटे हैं जो कि अभी हम चाय पीने के बाद बनाएंगे रात को। तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा चाय पी के फिर थोड़ा सा बैठते हैं, उसके बाद ही फिर खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है अभी चाय तो बन चुका है। ये मैं हूँ, ये मेरी चाय है, और ये है बिस्किट। पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। और यहाँ पे चाय पीते पीते हमको कुछ याद आ गया था कि कुछ महीना पहले एक चीज ये वाला बोली ट्रेंड में निकला था कि यहाँ पे हम हैं और यहाँ पे पार्टी हो रही है। तो थोड़ा सा हम भी यहाँ पे गुनगुना दिए हैं यही वाला बात कि ये चाय है, यहाँ पे मैं हूँ, और यहाँ पे मेरी बिस्किट है। की कुछ चीज़ जो है चाय पी लिए हैं, ये रहा कप, तो बाद में धोएंगे। अभी जो है कुछ आज जो दिन में जो कपड़ा धोए थे तो सूख गया है, कुछ कुछ सूखा है और कुछ नहीं सूखा है, तो देखते हैं। बाहर रखा हुआ है तो समेटेंगे, तो समेट लेते हैं उसके बाद खाना बनाएंगे। ऐसे भी खाना भी बनाएंगे तो फिर ठंडा भी हो जाएगा, तो पहले वो वाला काम कर लेते हैं जो समेटना है, नहीं तो फिर ला के घर में रख देंगे तो रखा ही रह जाएगा। और यहाँ पे जो है कुसुम का पापा सुबह में जो सब्जी लाए थे तो बैग से तो निकाल के रखे हैं, लेकिन जगह पे नहीं रखे हैं जहाँ पे हम सब्जी रखते हैं। तो सोच रहे हैं कि कुछ कुछ सब्जी जो है अगर काट के रख लेते तो अच्छा होता, लेकिन वो भी बाद में देखेंगे कि काटेंगे कि नहीं काटेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे इतना सारा कपड़ा कुसुम वहाँ से ला के यहाँ पर रखी है, ताकि लेके जा रही थी अंदर, हम बोले यहीं पे रखो, यहीं पे समेट के फिर अंदर ले जाएंगे। और यहाँ पे बड़ी जो दिए थे, यहाँ पे है बड़ी, तो कल दिखाएंगे धूप, कल दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे, सूख जाएगा। गर्मी का दिन रहता तो अब तक तो सूख भी जाता, लेकिन ठंडा का दिन है तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है। और यहाँ पे सारा सब्जी है, ये सारा सब्जी को भी ठीक ठाक करके रखना है। ये रहा आज अभी जो खाना बनाएंगे वो तो सब्जी हम अभी काट के रखे हैं, मतलब चाय पीने से पहले ही, और मतलब कल सुबह के लिए हम बोल रहे थे कि अगर हम कुछ कुछ सब्जी अगर काट के रखते हैं तो कल हमको नाश्ता बनाने में उतना मतलब हड़बड़ी नहीं लगेगा।
तो और जो है पूरा आंगन जो है फैला हुआ है, तो मेरे कारण से कहीं लक्ष्मी माँ या कोई भी देवी देवता मतलब नाराज ना हो, क्योंकि घर जो है एकदम सुंदर से रखना चाहिए, उसी तरह आंगन भी सुंदर से रखना चाहिए और खुद को भी अच्छा से रखना चाहिए। कोई भी चीज़ जो है बिखरा हुआ नहीं रहना चाहिए, तो जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है कि जितना सुंदर से हम लोग घर द्वार ये खुद को भी अच्छा खुद को भी और जो भी घर में मेंबर है सबको भी ठीक ठाक से रखे, और घर जितना शांत रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा किचकिच और ज़्यादा उलझा हुआ चीज़ किसी को भी पसंद नहीं है। और माँ लक्ष्मी तो वहीं पे वास करती है जहाँ पे हर चीज़ सुंदर से अच्छा से रहे, और मन में अगर शांति रहे तो वो तो और भी अच्छा बात है। मन में शांति है तो घर भी शांति रहता है। तो मन शांति कैसे रहेगा, जब तक घर आपका किचन और उसके बाद अगल बगल में अगर अच्छा नहीं रहेगा, तो मेरा तो मानना ही है। तो हम भी सोचते हैं कि जितना जल्दी सब्जी हर चीज़ अपनी जगह पर रख दे तो साफ हो जाएगा। तो यहाँ पर सारा सब्जी जो भी हमको जहाँ पर रखना था रख लिए हैं, और कुछ सब्जी जो है कल के लिए काट के रखे हैं। और यहाँ पे जो है हम चाय पीने से पहले जो सब्जी काट के रखे थे तो अभी हम चढ़ा दिए हैं, जैसे कि हम अभी हम दाल बनाएंगे तो दाल को बॉईल करने के लिए रखे हैं, और वहाँ पे पालक साग भी चढ़ा दिए हैं। तो आलू और छीम को पहले हम अच्छा से फ्राई कर लिए थे, उसके बाद ही हम उसमें पालक साग रखे हैं। तो अभी यहाँ पे पालंग साग यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे मसूर दाल जो है बॉईल करने के लिए रखे हैं, और बॉईल हो जाएगा उसके बाद बनाएंगे मतलब इसमें डालेंगे हम। यहाँ पे है छीम है और कद्दू है और टमाटर और धनिया पत्ता डाल के ये वाला दाल बनाएंगे। और यहाँ पे चावल फूलने के लिए रखे हैं, तो चावल बनाएंगे, दाल और सब्जी मतलब पालंग साग। और यहाँ पे है बैगन जो कि बैगुनी बनाएंगे, बैगन का पकौड़ा है, पालंग साग और पालंग साग मतलब हम लोग बंगाली है तो हम लोग बोलते हैं पालंग साग, तो पालक तो हिंदी में थोड़ा सा बोलने में हमको तकलीफ होता है, तो जया दूर से ही सुन के चली आई। और यहाँ पर जो है हम बेसन को घोल के रखे हैं पकौड़ा बनाने के लिए, लेकिन सारा वीडियो अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी लेट हो जाएगा क्योंकि अभी 8:30 बज रहा है, और वीडियो बनाएंगे थोड़ा सा तो टाइम लगता ही है, तो पूरा खाना बन जाएगा उसके बाद फिर वीडियो ऑन करेंगे, है ना जया? तो चलिए खाना बनाते हैं, उसके बाद सब बन जाएगा, उसके बाद फिर वीडियो बनाएंगे, नहीं तो लेट हो जाएगा। हाँ, नहीं तो लेट हो जाएगा, लेट हो जाएगा। हमको पता है, मेरी दीदी सब समझ जाती है कि हम तुतलाते हैं थोड़ा थोड़ा। व्हाट अबाउट भैया? भैया लोग बच्ची लोग मतलब जितना हमसे छोटे हैं सब बच्ची है, बच्चे हैं, तो आप लोग समझते ही होंगे कि थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, तो कहीं पे हिंदी में ही हम थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, तो जाए बोलती हम तुतलाते हैं लेट। तो चलिए लेट मतलब और लेट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं खाना। यहाँ पे बन गया है पकोड़ा, ये रहा पकोड़ा, और यहाँ पे है टमाटर धनिया पत्ता छीम ये सब डाल के बनाया है दाल मसूर दाल। और यहाँ पे है पालंग साग, और यहाँ पे है अभी चावल बनाए हैं, और अभी टाइम हो रहा है 10 बजने में, 5 मिनट बाकी है। तो चलिए हम वीडियो को भी अभी हम यहीं पे एंड करते हैं, और फिर जल्दी ही नया वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय श्री माता जी, गुड नाइट।